पकड़ के गाड़ी छोड़ना मत मुझे। डाइव नहीं मार रहा, छोड़ना मत मुझे। चड्डी में पानी भर गया। चड्डी में पानी भरेगा यार, पानी के अंदर हुआ। क्या हो गया? हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ सीधा खेत से, हमारे गांव के हमारे खेत से, बिकॉज आज हम आए यहाँ पे धान निकालने के लिए। कल हमने काट के यहाँ पे रख दिए थे, आज इसमें से सारे चावल सारे धान निकालेंगे हम। सुबह सुबह आ गए, 6:30 बजे। देखो, सीधा उठ के हम यहीं पे खेत में आ गए। इसमें निकालेंगे हम चावल। अबे ये क्या हो गया, पत्थर लगाओ। गाइज, इनमें से ना चावल निकालने के लिए हमारे पास कोई मशीन नहीं है, तो हम हाथों और पैरों का यूज करके मैनुअली निकालेंगे खुद। जैसे शहरों में तो मशीन यूज होती है ना, बट यहाँ पे हाथ पैर पैर यूज होते हैं निकालने के लिए चावल। तो किस तरह से होते हैं दिखाएंगे आपको। और यही चावल है जो हम खाते हैं ना, मैं आपको दिखाता हूँ जो हम चावल खाते हैं, पहाड़ी चावल, यही होता है, यही वाला हमारे खेत का। फिलहाल बिछा लिया यहाँ पे। हाँ, तो आज का काम करते हैं स्टार्ट, भगवान का नाम लेके। तो वही पैरों का यूज करना है ऐसे। ये देखो सारे चावल निकल रहे हैं ना, धान धान धान। अब सारे करेंगे, मम्मी चाची अम्मा पीयूष भी करेगा। भाई निकलने भी लग गए, चाचा जी ने इतने सारे निकाल दिए। देखो भाई, गाइस यहाँ पे ना सभी पैरों से निकालते हैं इस तरह से, यहाँ पूरे गांव वाले सभी पैरों से निकालते हैं इस तरह से। अम्मा आप क्या कर रहे हो? ऐसे ना, ऐसे ऐसे फिर निकालते हैं धान। अच्छा ऐसे? हाँ, ऐसे करके ना जो बचे हुए ऐसे निकल जाएंगे। वहाँ पैरों से निकल रहे हैं, यहाँ लकड़ी से निकल रहे हैं। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, पहले पैर से फिर लकड़ी से। हो गया सर, अब पीयूष करेगा पैरों से। नहीं हो रहा भाई, तेरे से नहीं हो रहा। लोग कमेंट नहीं करेंगे कि पैरों से कर रहे हो भाई, ये प्रोसेस है पैर से। चलो पीयूष से पूछते कैसा लग रहा है, पहली बार कर रहे हैं ना पीयूष? हाँ, ये पहली बार कर रहे। कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है। मम्मी ने तो बहुत किया बचपन से, चाची अम्मा सब ने किया, बट पीयूष पहली बार कर रहा है। गांव की जिंदगी तो ऐसी होती है, यहीं पे खेत में बो, खुद खाओ और घर में रहो मस्त। गाइस बस थोड़ा सा रह गया, देखो इतना सारा कर भी दिया, हमको भी एक घंटा भी नहीं हुआ है, एक घंटे से पहले इतना सारा हो गया। देखो अब मुझे लगता है ये देखने के बाद हमारे घर में कोई चावल खाएगा, बिकॉज पैरों वाले चावल हैं। जिन्होंने भी खाए देख लो गाइस, पैरों वाले चावल खाए आपने। तो गाइस फाइनली कंप्लीट हो चुका है, इतने सारे चावल निकले हमारे। गाइस कुनाली भी आ गया। कुनाली आप लेट हो गए काफी, हमने सारे धान निकाल लिए। हाँ, आप सोए थे क्या? उठे क्यों नहीं आप सुबह? तो अभी हो रही है यहाँ पे साफ सफाई, तो साफ सफाई इस तरह से होती है। देखो वहाँ से हवा दे रहे हैं और इस तरह साफ हो रहा है। देखो पूरे चाची का अलग काम चल रहा है, चाची इनको उठा रही है। ये देखो दोनों भाई यहाँ पे साफ कर रहे हैं। ये देखो भाई, ये देखो इसको पागल हो गया। क्या हरकतें कर रहे हैं यार ये खेत में आके। तो गाइस अब हम तीनों भाई जा रहे हैं घर, मस्त मजा आ गया सुबह सुबह खेत में काम करके, मस्त धान निकाले हमने, बाकी मम्मी लोग आ जाएंगे अभी। और जो ये वाली सब्जी है ना, मेरी फेवरेट है, गडेरी की सब्जी। गाइस ये देखो ये काट रहे हैं, अब इसको सुखाएंगे फिर निकालेंगे। गाइज हम ना बहुत लक्की हैं कि हमारे यहाँ पे घर है, हम बेसिकली यहाँ से हैं, बिकॉज हम यहाँ कभी भी आ सकते हैं, कभी भी रह सकते हैं। और मेरा तो प्लान है भाई बाद में फ्यूचर में यहीं रहने का, क्योंकि भाई इतनी मस्त लाइफ है यहाँ की, गांव वाली लाइफ। तो गाड़ी हमारी यहाँ पे खड़ी है फॉर्च्यूनर, घर से नीचे, ये हमारी पार्किंग है। वैसे हमारी तो नहीं है, इन घर वाले की, बट ये दे देते हैं हमको। ये देखो घर के सामने पूरी तोरी की बेल लगी हुई है, तो यहाँ पे देखो इतनी सारी तोरी लगी हुई है, एक ककड़ी है, देखो कितनी बड़ी है। कुलाली ये क्या कर रहे हो? बटन ऑन कर रहे हैं देखो लकड़ी से। गाइज ये देखो गांव में आके मैगी खा रहे हैं, क्या फायदा गांव में आने का भाई, हेल्दी हेल्दी फूड खाओ यहाँ पे आके। अरे उल्टे काम क्यों करते रहते हो तुम? खाने से याद आया, ब्रश ही नहीं किया सुबह से, तो ब्रश करते पहले। ये देखो छुपा रहा है मैगी। ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? ये देखना पूरे मुंह लगा ली, देखना। तो ब्रेकफास्ट करते हैं, आलू की सब्जी रोटी और रायता मम्मी ने बनाया आज। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं नदी में नहाने के लिए, चलो चलते हैं।
पीयूष और कुणाल तो बस इसीलिए आए थे ना। जा तो रहे हैं भाई, लड़ाई मत करना, वहाँ पे डूब जाएगा कोई ना कोई। ओए गिरा गिरा गिरा। ध्यान से पहुंच गए नदी पे भाई। मैं भी कूद रहा हूँ पक्का, मेरा मन कर रहा है। ये देखो भाई, ये कितना एक्साइटेड है, तैरने लायक तो है। मैं भी जा रहा हूँ भाई, फोन बचा के रखना पड़ेगा, नया फोन है। ओ भाई यहाँ से चल तो जाओगे। गए भाई पानी में। भाई ठंडा है, बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है। गहरा लग रहा है पानी। गहरा तो है लेकिन तू डूबेगा नहीं, टेंशन मत ले। तो स्कूल में तो स्विम करता है। अरे नहीं है गहरा, मैं पकड़ लूंगा, डूबेगा तो बचा लूंगा। डूबेगा तो कूद जा भाई, डर के आगे जीत है भाई। थोड़ा सा गहरा, कोई दिक्कत नहीं है। अबे ये क्या कर रहा है गाइस? देखो एक दिक्कत हो गई है, हाथ में लग गई पत्थर से पूरी, यहाँ पे देखो पूरा लाल हो गया, पूरे स्क्रैचेस लग गया हाथ पे। ये देखो अब जलन हो रही है इसमें बहुत। गाइस आज मैंने फोन बचा लिया लेकिन मैं फूट गया। पकड़ के खड़ा, छोड़ना मत मुझे। डाइव नहीं मार रहा, छोड़ना मत मुझे। छोड़ोगे नहीं ना? पक्का नहीं छोड़ोगे ना? दोनों हाथों को दबा के रखा ये, नहीं डूबोगे, डोंट वरी। इधर साइड में रहना, बीच में मत जाना। सारा गहरा बन जाए, इधर गहरा पानी मिल गया, अच्छा लग रहा। गहरा पानी चाहिए था, इधर जाओ फिर, इधर आओ, बीच में जाओ, गहरा पानी है। गहरा चाहिए इसको, देख क्या कह रहा है, गहरा चाहिए इसको, गहरा। चड्डी में पानी भर गया, चड्डी में पानी भरेगा यार, पानी के अंदर हो आप। कितना क्यूट सा छोटा सा है यार, देखो। गई जब छोटे थे ना साहिल और मैं, तो भाई दिन में 8-8 बार आते थे नहाने के लिए, 8 बार दिन में यहाँ। क्या हो गया? छोड़ा कट गया। चाचा जी आ चुके हैं। ओहो चाचा जी, इसकी सुसु करने से पानी गर्म हो जाएगा कुछ भी। गाइस वैसे यहाँ पे कोई खतरा नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम बचपन से नहाते, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि हमारे घर के सामने वाली नदी है तो हमको पता है इसके बारे में। अबे 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 पिछला पिछला। तो गाइस देखो बड़ा भैया अपना कर्तव्य निभा के अपने छोटे भाई को कपड़े डाल दें। चलो भाई मस्त नहा धो के अब जा रहे घर। हाथ पकड़। बच्चा समझते हो? अरे बच्चा है तू, बच्चा समझते हो? अरे ऐसी बातें करते हैं यार। इसका गिरेगा तो देखो ना पत्थर कैसे है। नहीं आ चलो ना, नहीं गिरूंगा तो। भाई छोड़ दो, मत करो, रिस्क मत लिया करो, बड़ी भी नहीं हमारे बस। क्या कह रहे, गिरूंगा तो माफ कर दूंगा। बच्चा समझते हो कुनाली, अब क्या हो? तो भी घर पहुंच गए, अब करते हैं लंच, भटकी दाल और चावल। गाइस मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है गाँव में, मतलब मेरा तो मन कर रहा है यहीं रहने का, बट रह नहीं सकते ना। तेरा यहाँ रह के क्या होगा? रहूंगा मैं, बाद में रहूंगा। देख कुनालिया खाना देखो कितना कम खाना खाता है भाई, इतना सा खाता है, सिर्फ 2 चम्मच खाना खाता है, इतना सा। थोड़ा डालना। क्या? तो गाइस अब हम जा रहे हैं मार्केट, अम्मा बाबू के लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग करते हैं बिकॉज कल सुबह हमको निकलना है, तो उनके लिए कुछ चीजें ले लेते हैं खाने पीने के लिए मस्त। दोनों भाई गांव से निकल गए, चलते हैं मार्केट। तो गाइस अभी मार्केट पहुंच गए, तो गाइस मस्त शॉपिंग हो चुकी है। तो भी गाइस यहां पे रुके हैं फॉर्चूनर धोने के लिए बिकॉज बहुत दूर हो गए, तो यहीं पे धो लेते हैं, पानी है यहां पे। हम डब्बे वब्बे लेके चलते हैं, मस्त पानी आ रहा है। ये देखो पीपीएफ के बाद पानी नहीं रुकता इसके ऊपर। चलो भाई गाड़ी में पानी मार दिया है, अब चलते हैं। घर पहुंच चुके हैं और शाम के 5 बज गए, आज का दिन भी खत्म होने वाला है। मम्मी जी सब्जी काट रही है, डिनर की तैयारी। पकड़ा गया, फोन दे। कुनाले आपके लिए कुछ लाए हैं, आपको गैस करना है, ठीक है? क्या है? हाथ में दे ना, दे। गैस करो। क्या है? आपकी फेवरेट चीज है, आपको पसंद है बहुत? नहीं। तो भी अंधेरा हो चुका है फिलहाल, मैं एडिटिंग करूंगा और फिर डिनर करेंगे और मैं आपसे मिलता हूँ सुबह, क्योंकि सुबह हमको निकलना है वापस हल्द्वानी के लिए। तो चलो सुबह मिलते हैं। तो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी फिलहाल उठ गए, सुबह के 5 बजने वाले हैं, फिलहाल निकलते हैं सीधा हल्द्वानी के लिए, टाइम से पहुंच जाएंगे सुबह 8-9 बजे तक। चलो ओके, बाय बाय बोल दो। दोनों सो गए भाई, सुबह के 5:23 हो गए हैं, हम 23 मिनट लेट हैं मम्मी। तो फाइनली हल्द्वानी पहुंच चुके हैं। ओलू ये देखो इसके पीछे पड़ गया, आते इसके पीछे पड़ गया। ओली ओलू सरदा आगे हैं। चलो भाई फाइनली घर पहुंच चुके हैं, अब फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूं। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
पानी के बाहर हो अब इसलिए ठंड लग रही है आपको, अंदर जाओ पानी के, अंदर जाओ फिर लगेगी।